ये ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो मुशायरा कवि सम्मेलन यहाँ कराया जा रहा है सीताराम बाजार में, आइए देखते हैं। बड़ा सस्ता बिका हूं मैं भी एक रोटी कमाने में। मेरा वतन प्यारा वतन, मेरा वतन प्यारा वतन, सारे जग से है यारा ये चमन। आज का ये हिंदी और उर्दू कवि सम्मेलन बहुत ही एक अच्छा सम्मेलन, जिससे गंगा जमनी तहजीब का ये सम्मेलन है, जिसको सजाने के लिए कृष्णा शर्मा दामिनी जी, फरीद अहमद फरीद, राकेश जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये खूबसूरत कवि सम्मेलन सजाया है। और इस तरह के कवि सम्मेलन और मुशायरे होते रहने चाहिए, जिससे आपस में एक भाईचारा पैदा होता है। ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, उर्दू और हिंदी दोनों मिलकर के ही ये गंगा जमनी तहजीब बनी है। तो हम इससे ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा हमारा कायम रहे और इसी तरह से हम मिल कर के रहें, और इसी तरह से तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। अरे जो आप पढ़ रहे थे, आप यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं और आप फोन पे चाय मेल हम सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे मुकेश साहब का आना है। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं सिद्धार्थनगर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और रहता मुंबई में हूँ। मेरा नाम करीमुद्दीन खान है और यहाँ मैं आया, फरीद साहब ने मुझे दावतनामा पेश किए थे और मुझे बड़ी खुशी हुई। और बहुत जौक से हैं लोग यहाँ के और बहुत अच्छे से सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई कि इतने मारूफ शोरा और शायरात और इतने महान कवि और कवित्री के बीच में मुझे पढ़ने का मौका मिला, और मेरे कलाम सुनाने के बाद दादो तहसीन से नवाजा गया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कृष्ण ब्रह्मी साहिबा का और फरीद अहमद साहब का। राजू साहब हैं जो वार्ड 87 से जो है अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, और इनके साथ ये पूजा पंडित से किरण जी हैं, ये भी दावा पेश कर रहे हैं। राजू भाई, आज तक तो कवि सम्मेलन और मुशायरे होते थे, लेकिन आप जीतने के बाद क्या करेंगे, जरा सही ये बताएं। देखिए 2017 में मेरी बहन को टिकट मिला से बाजार सीताराम बाजार से, और ये सीताराम बाजार एक ऐसा वार्ड रहा कि जिसने सबसे पहले हमें यहाँ से जिता के भेजा, और अब दोबारा अगर हमें मौका मिलेगा सभी जो कवि ये कवि सम्मेलन है मुशायरा, मैं इंशाल्लाह जामा मस्जिद एक नंबर गेट पे बड़ा प्रोग्राम कराऊंगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट का जो प्रोग्राम जब होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए ये प्रोग्राम होता है। क्योंकि मुझे क्योंकि ये जो हिंदी उर्दू की हम बात करते हैं, लगता है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जब हिंदी उर्दू की बात होती है तो कौमी एकता की बात होती है, और हिंदी उर्दू या हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे दो धर्म हैं, दो भाषाएं हैं, ये देश की मजबूती की देश की एकता के लिए बहुत इनका एकता अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में दोनों का प्यार मोहब्बत बना रहे। और जो हमारी जो मुशायरा है, और मुशायरा ये हो या कवि सम्मेलन हो, देश में देश के लिए बहुत अच्छी बातें इसमें होती हैं। और आज़ादी का महोत्सव है, 75वां महोत्सव है, जब हम आज़ादी के पर्व को मनाते हैं तो आज़ादी का पर्व ही नहीं मनाते हैं, हम अपने शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हैं। और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये सबसे अच्छा वक्त होता है कि 200 साल की गुलामी के बाद हमने ये दिन देखा, और आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरा देश आज़ादी का 75वां जन्म दिवस मना रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अदब जिंदा है तो राजनीति जिंदा है, अदब खत्म हुआ तो राजनीति भी दफन हो जाएगी। तो इसलिए अदब चलता रहे, बहता रहे, निरंतर बहता रहे, तो राजनीति कभी ना कभी
सोचने पे मजबूर होगी कि जो अफलातून है, जो थोड़े बहुत सोच को जो लेके चलते हैं, छोटी सोच को, वो ज़रूर अलग अलग करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमेशा, ये तो एक छोटी सी मुहिम है ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट, ये मुझसे नहीं बनी, ये सिर्फ उनसे बनी है जिन्होंने इसको माना है और जो इस प्रोग्राम में आते हैं और हमसे कहते हैं कि तुमने लकीर से हटके काम किया है, ख़ास तौर से मुझसे, क्योंकि उर्दू से प्रेम है। मैंने किसी से मुतासिर होकर ये उर्दू नहीं अपनाई, किसी के दबाव में आके उर्दू नहीं अपनाई, मैं एक प्रवक्ता हूँ। जब मैं फिराक गोरखपुरी को हिंदी के साहित्य में पाठ्यक्रम में पढ़ाती हूँ तो फिर उसको काट के फेंक दो ना उस पाठ को, ये गलत बात है। साहित्य जब पाठ्यक्रम बच्चों को बनाया जाता है उसमें दुष्यंत की गज़लें भी हम पढ़ाते हैं और फिराक गोरखपुरी की भी गज़लें भी हम पढ़ाते हैं, गालिब की हमें पढ़ाते हैं। तो वहाँ मुझे जब लगा कि मुझे तकलीफ़ होती थी कि थोड़ा सा समझना चाहिए और अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए उम्र दराज होकर भी मैंने इल्म को हासिल करने की कोशिश की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने उर्दू को सीखा है मैंने अपनी हिंदी को और भी खूब सारी तरीके से उसको सजाया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा भाई कि जिनका जो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों मैंने पढ़ा था जब मैं बच्चा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब संसद भवन में सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, आपके पीछे थे रामधारी दिनकर साहब, तो पंडित जी के पैर लड़खड़ाए और वो गिरने के करीब पहुँच गए। पंडित जी ने सहारा दिया और उनको संभाल लिया और बड़ा कीमती और बड़ा कामयाब जुमला बोला था कि जब जब सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे अदब आकर उसको संभालने की कोशिश करेगा। तो आज मुझे महसूस होता है कि आज सियासत के कदम लड़खड़ा रहे हैं तो अदब को ज़रूरी है कि वो आगे आए, उसको संभालने की कोशिश करे। इसलिए ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जनाब अकबर राजू साहब को जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, और मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त करम फर्मा जो उर्दू के और हिंदी के शहदाई जनाब राकेश कुमार साहब जो हमारे काउंसलर भी हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारी आवाज़ पर अदबी महफिल को, साहित्य को ज़िंदा रखने के लिए शाना बशाना चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा दामिनी जी को और फरीद भाई को, और उनके शान में मैंने जो क्या वो अर्ज़ करता हूँ। कहते हैं जिसको दोनों जबानों की रागनी, कहते हैं जिसको दोनों जबानों की रागनी, कहते हैं जिसको दोनों जबानों की रागनी, उर्दू का नूर उसमें है हिंदी की चांदनी, उर्दू का नूर उसमें है हिंदी की चांदनी। इस बज में जो इनकी मोहब्बत में आए हैं, इस बज में जो इनकी मोहब्बत में आए हैं, आने से उनके हो गई महफिल में रोशनी, और है आखिरी क्या है, उर्दू हिंदी एकता की जो ये इमारत है, उर्दू हिंदी एकता की जो ये इमारत, मेमार उसके दो हैं फरीद और दामिनी। देखा आपने कि यहाँ पर जो कवि सम्मेलन हो रहा था इसमें मेहमान खसूसियों ने और सब ने अपने अपने ख्याल दिया, खासकर राकेश जो इस इलाके के ऊंचा पंडित कौंसलर, उन्होंने इसको सजाया संवारा दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।